फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ऑक्सिलरी बाइंडिंग क्या होती है और ऑक्सिलरी बाइंडिंग का क्या काम होता है, इसकी रिबाइंडिंग किस तरह से की जाती है। हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? मैं हूं आपका दोस्त मेराज और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल परफेक्ट इलेक्ट्रिकल। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहे। तो फ्रेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है 82.5 KVA का अल्टरनेटर 3 फेज का। तो फ्रेंड, पहले हम बात कर लेते हैं इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन की। तो ये है 82.5 KVA का 3 फेज का अल्टरनेटर और ये है 4 पोल का, यानी कि 1440 RPM का अल्टरनेटर जो होता है वो 1500 RPM पर रन करता है, यानी कि 50 फ्रीक्वेंसी पर ये काम करता है। टोटल इसके अंदर 12 सेट हैं, यानी कि 3 फेज का अल्टरनेटर है तो एक फेज के अंदर 4 सेट आएंगे, तो ये हो जाता है 4 पोल का। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो बाइंडिंग है ये इसकी मेन बाइंडिंग है, मैन स्टेटर बाइंडिंग है। तो नॉर्मली जो हम बाइंडिंग करते हैं वो सेम इसी तरह से करते हैं, लेकिन जब ऑक्सिलरी बाइंडिंग की बात आती है तो अल्टरनेटर के अंदर ऑक्सिलरी बाइंडिंग हम किस तरह से डालते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो बाइंडिंग है ये ऑक्सिलरी बाइंडिंग है। ये है एक कॉइल और एक कॉइल ये है ऑक्सिलरी बाइंडिंग की, एक कॉइल ये है ऑक्सिलरी बाइंडिंग की और एक कॉइल ये है ऑक्सिलरी बाइंडिंग की। एक यहाँ से गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कॉइल हैं इसके अंदर ऑक्सिलरी बाइंडिंग की। तो हम किसी भी अल्टरनेटर के अंदर ऑक्सिलरी बाइंडिंग दो तरह से डाल सकते हैं, या तो हम जब हम मोटर की कॉइल बना रहे होते हैं तो कॉइल के अंदर ही कॉइल बनाने के बाद 3-4 टर्न्स डाल देते हैं जितने हमें वोल्टेज आउटपुट में चाहिए होते हैं ऑक्सिलरी बाइंडिंग से। लेकिन इस अल्टरनेटर के अंदर क्या है कि जब कॉइल बना दी गई है, पूरी कॉइल डाल दी गई है, उसके बाद इसके अंदर ऑक्सिलरी बाइंडिंग डाली गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो अल्टरनेटर है वो 60 स्लॉट का, 60 स्लॉट इस अल्टरनेटर के अंदर हैं और जो ऑक्सिलरी बाइंडिंग की जो पिच है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पिच है ऑक्सिलरी बाइंडिंग की और टोटल जो सेट है ऑक्सिलरी बाइंडिंग के वो 8 सेट हैं, यानी 8×7=56 और बीच बीच में यहाँ पर 1 स्लॉट छोड़ करके ये ऑक्सिलरी बाइंडिंग डाली गई है। यहाँ पर 1 स्लॉट छोड़ दी गई है, यहाँ पर नहीं छोड़ी गई है, यहाँ पर 1 स्लॉट छोड़ दी गई है दोनों कॉइलों के बीच में, यहाँ पर नहीं छोड़ी गई है पर यहाँ पर छोड़ दी गई है। तो कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर टोटल ऑक्सिलरी बाइंडिंग के 8 सेट हैं। अब ऑक्सिलरी बाइंडिंग किस काम में आती है? तो ऑक्सिलरी बाइंडिंग का जो काम होता है जब हम बूस्टर कनेक्शन करते हैं, यानी जो ऊपर चोक लगाते हैं या फिर अल्टरनेटर के अंदर AVR लगाते हैं, तो AVR में हमें 24 वोल्ट चाहिए होते हैं 3 फेज में, सिंगल फेज में 12 वोल्ट चाहिए होते हैं। तो नॉर्मली हम चोक कॉइल के लिए यानी बूस्टर के लिए या फिर AVR के लिए जो सप्लाई लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, मैं आपको दिखा दूँ। ये है इसका कनेक्शन बॉक्स, तो मैंने यहाँ पर खोल रखा है। तो नॉर्मली हम बूस्टर के लिए चोक कॉइल के लिए जो सप्लाई लेते हैं वो यहाँ से लेते हैं। ये है 3 फेज 1, 2, 3 और ये वाला जो है वो न्यूट्रल है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 तार लगाए गए, 1, 2, यहाँ से 24 वोल्ट लिया गया है और यहाँ से न्यूट्रल लिया गया है और इसका जो AVR है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है इसका AVR। तो AVR में जहाँ पर फेज सप्लाई लगती है वो यहाँ से नॉर्मली ली जाती है, लेकिन जब ऑक्सिलरी बाइंडिंग की जाती है तो यहाँ से सप्लाई ना लेकर के ऑक्सिलरी बाइंडिंग से सप्लाई ली जाती है। जो ऑक्सिलरी बाइंडिंग के वायर हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वायर है, ऑक्सिलरी बाइंडिंग के वायर हटा दिए गए हैं, यहाँ से सप्लाई नहीं ली गई क्योंकि ये हो सकता है ख़राब हो गई हो, यहाँ पर भी लिखा होगा। यहाँ पर लिखा है एक्स, यहाँ पर लिखा है X2 और इस वाले पर लिखा होगा X1, यहाँ पर लिखा X1 और यहाँ पर लिखा दूसरी वाली लीड पर X2, यानी ये ऑक्सिलरी बाइंडिंग के वायर है और जब ये काम करना बंद कर दिया होगा तो इसको यहाँ पर इस तरह से डाल दिया गया होगा, उसके बाद यहाँ से कनेक्शन से यहाँ से वोल्टेज लिए गए होंगे 24 वोल्ट। तो ये जो ऑक्सिलरी बाइंडिंग है वो 3 फेज के अल्टरनेटर में यूज़ की गई है, तो ये जो ऑक्सिलरी बाइंडिंग जो आउटपुट देती होगी वो 24 वोल्ट आउटपुट यहाँ से निकालती होगी जो कि AVR में यहाँ पर जाती है। मान लीजिए कि अल्टरनेटर की मेन बाइंडिंग के अंदर एक सेट के अंदर 15 टर्न्स हैं तो ऑक्सिलरी बाइंडिंग के अंदर 3-4 ही टर्न्स होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑक्सिलरी बाइंडिंग की एक कॉइल है, इसके अंदर कितने टर्न्स हैं, 1 टर्न्स 2 टर्न्स 3 टर्न्स, ये 3 टर्न्स हैं और ये एक सेट जो 3 वोल्टेज हमें आउटपुट में देगा, ये एक सेट 3 वोल्ट आउटपुट में देगा। तो इसके अंदर टोटल 8 सेट हैं, 8×3=24 वोल्ट ये हमें यहाँ पर देगा ऑक्सिलरी बाइंडिंग के रूप में। तो ऑक्सिलरी बाइंडिंग के जो 24 वोल्ट होंगे वो हम AVR में लगा देंगे। कहाँ पर लगाएंगे? यहाँ पर हम फेज सप्लाई लगाते हैं, 2 फेज। AVR या चोक कॉइल यानी बूस्टर के अंदर 2 तरह की सप्लाई जाती है, AC और DC। DC सप्लाई कहाँ से जाती है? जो फील्ड होती है वहाँ से 2 वायर जाते हैं प्लस माइनस, तो वो होती है DC सप्लाई। और जो AC सप्लाई होती है वो 2 तरह से हम ले सकते हैं, या तो हम ऑक्सिलरी बाइंडिंग से ले सकते हैं या फिर जो स्टेटर के जो मेन आउटपुट होते हैं इसके वहाँ से हम 24 वोल्ट ले सकते हैं, 3 फेज का है तो सिंगल फेज
सर्विस का है तो 12 वोल्ट, एक कॉइल से हमें 3 वोल्ट मिल रहे हैं और इसके अंदर 8 कॉइलें हैं तो 8 × 24। अगर हम इसे 12 वोल्ट चाहिए होते तो हम इसके अंदर 4 कॉइलें डालते, ऑक्सिलरी बाइंडिंग की 4 कॉइलें बनाते, तो एक कॉइल 3 वोल्ट हमें देती है हमेशा। तो यहाँ पर आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे कि ऑक्सिलरी बाइंडिंग की एक कॉइल 3 वोल्ट हमें आउटपुट में देती है। तो ये 3 फेज का अल्टरनेटर है तो इसके अंदर ऑक्सिलरी बाइंडिंग की 8 कॉइलें डाली गई हैं। अगर ये अल्टरनेटर सिंगल फेज का होता तो ऑक्सिलरी बाइंडिंग की 4 कॉइलें डाली जाती हैं और इसके कनेक्शन भी बिल्कुल अलग होते हैं। इस बाइंडिंग से ऑक्सिलरी बाइंडिंग के कनेक्शन बिल्कुल अलग होते हैं, इसके कनेक्शन सीरीज में होते हैं और ऑक्सिलरी बाइंडिंग का जो वायर होता है वो वायर भी हम अलग टाइप का यूज़ करते हैं। अगर हम चाहें तो ये वाला इनेबल वाला वायर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका जो वायर होता है वो अलग टाइप का यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो वायर है इसके ऊपर जो है ग्लास टेप लिपटा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ऑक्सिलरी बाइंडिंग का वायर है ये यहाँ पर ये ग्लास लिपटा हुआ है, ग्लास टेप, ग्लास कॉटन, ठीक है। और इसके अंदर कॉपर वायर है और अगर हम चाहें तो ये इनेमल वाला वायर भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा एक वायर और होता है जिसमें जो है टेप की तरह कोई दूसरा इंसुलेशन लिपटा हुआ होता है, यानी कि ये जो हम तार लगाते हैं इससे अलग ही पता लग जाता है कि ये जो बाइंडिंग है वो ऑक्सिलरी बाइंडिंग है। तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि ऑक्सिलरी बाइंडिंग का काम क्या होता है और ये बाइंडिंग किस तरह से की जाती है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहे।